हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैंक्रियास के कैंसर के डायग्नोसिस में कौन से ब्लड टेस्ट लगते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा कैंसर रिलेटेड सर्जरीज की होंगी। सो दोस्तों, पैंक्रियास का कैंसर एक खतरनाक कैंसर माना जाता है क्योंकि रिजल्ट्स इतने ग्रेट नहीं रहते हैं दूसरे कैंसर्स के कंपैरिजन में, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डायग्नोसिस होता है कैंसर का पैंक्रियास में लोकली एडवांस्ड या एडवांस स्टेज में पाया जाता है। बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जहाँ पे हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन दे सकते हैं। सो कौन कौन से ब्लड टेस्ट लगते हैं या कौन से ब्लड टेस्ट ज़रूरी हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि पैंक्रियास का कैंसर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर जो है CA19-9। जब हम पैंक्रियास का कैंसर बोलते हैं इसका मतलब है कि हम डिस्कस कर रहे हैं पैंक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा के लिए। हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर अगर रहता है तो उसमें क्या करना है। सो CA19-9 एक ब्लड टेस्ट है जहाँ पे हम ये ट्यूमर मार्कर जिसको हम CA19-9 बोलते हैं इसके लेवल्स को हम मेजर करते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर में ये CA19-9 का लेवल बढ़ जाता है। बट ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ पैंक्रियास का कैंसर नहीं है जहाँ पे ये ट्यूमर मार्कर का लेवल बढ़ता है। कई सारे ऐसे नॉन कैंसरस कॉजेस है जहाँ पे भी ये CA19-9 बढ़ सकता है। ये कौन से कंडीशंस है? लीवर के इन्फ्लेमेशन जैसे हेपेटाइटिस है, इसमें CA19-9 बढ़ सकता है। अगर बिलेरी ट्रैक्ट या पित्त की नलकियों में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर बढ़ सकता है। अगर पित्त का बहाव रुक गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कोई भी रीज़न से हुआ है, इसमें बढ़ सकता है। पैंक्रियास के सूजन में CA19-9 बढ़ सकता है। थोड़े बहुत गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें बढ़ सकता है। और लंग में कोई बीमारी है तो इसमें भी CA19-9 बढ़ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ CA19-9 बढ़ गया इसका मतलब है कि पैंक्रियास का कैंसर है। थोड़े दूसरे भी कैंसर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जहाँ पर भी CA19-9 बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो सिर्फ CA19-9 बढ़ने का ये मतलब नहीं रहेगा कि पैंक्रियास का कैंसर है। अगर हम 100 पेशेंट्स में CA19-9 कराए और इनमें 100 के 100 पेशेंट्स में CA19-9 बढ़ा हुआ मिले तो सिर्फ 1% पेशेंट में ही ऐसे चांस है जिसमें पैंक्रियास का कैंसर हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है सिर्फ हाई CA19-9 देख के आप ये नहीं कह सकते कि इसमें पैंक्रियास का कैंसर है। ऐसा होने का चांस 1% से भी कम है। बट CA19-9 का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये इसमें इस्तेमाल जब वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें ऑलरेडी पैंक्रियास का कैंसर का आइडिया मिल गया है MRI CT स्कैन से और हम आगे के ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जब CA19-9 बढ़ता है इसका मतलब है कि पैंक्रियास का कैंसर का स्टेज भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और क्यूरेटिव रिसेक्शंस के बारे में हम सोचेंगे, अगर पैंक्रियास का कैंसर में CA19-9 का लेवल ज़्यादा रहता है तो सक्सेसफुल सर्जरी का चांस उतना कम होते रहता है। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो CA19-9 के लेवल हम मेजर करके बीमारी वापस आया क्या या ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन को पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसको भी हम CA19-9 से मॉनिटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, CA19-9 एक ऐसा ट्यूमर मार्कर है जो स्पेसिफिक नहीं है पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। बाकी नॉन कैंसरस कारणों के वजह से भी CA19-9 बढ़ सकता है। CA19-9 बढ़ने के बाद भी पैंक्रियास का कैंसर का चांस बहुत ही कम इंडिविजुअल्स में रहता है। हालांकि ये ट्यूमर मार्कर्स हम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल है, डाउट है तो हमें लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।